मैंने ट्रस्ट अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका ट्रस्ट का उद्गम कैसे हुआ उसकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं अपने छत पे शाम को टहल रहा था तो मेरी जो छोटी बिटिया है जिसका कि जन्म 10 जनवरी 2001 को हुआ था तो मेरे जो मित्र हैं स्वामी जी बोलता हूँ मैं उनको, स्वामी जी नाम दिया है उनको मैंने, महेंद्र गुप्ता जी जिनके बारे में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हर बार ट्रिप पे मेरे साथ वो जाते हैं। जहाँ भी दिल्ली से बार में जाता हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ जाते हैं, मेरी परछाई की तरह हैं वो 1994 से। तो वो छत पे आए, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था तो जो बिटिया थी ये बात मतलब वो 8 महीने की थी उस टाइम, तो उन्होंने आकर के उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। मैं छत पे टहल रहा था शाम को तो कोई नहीं सुनता रहा मैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर उनसे क्वेश्चन किया तेरा नाम क्या है, नाम बता अपना। मैं फिर भी सुनता रहा टहलता रहा। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा उससे कि तेरे को अपना नाम नहीं बताया, नाम बता। तो उस पर मैंने उनको पूछा कि मैंने कि इसका नाम इससे पूछ रहा है जिसको बोलना नहीं आता अभी, इसका नाम तुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है। कह रहे नहीं मेरे को नहीं पता क्या नाम है इसका। मैंने इसके फादर का नाम क्या है, इसके पिताजी का नाम क्या है। कह रहे संजीव। मैंने कहा इसकी माता जी का क्या नाम, माता का क्या नाम है। उसने कहा नीता। तो मैंने दो जोड़े हैं दो पीछे से डालो टी और ए क्या बन गया एस ए एन जे डबल ई वी एन डबल ई संजीवनी। तो मैंने उसको बताया उनको बताया कि इसका नाम संजीवनी है और मेरा नाम भी संजीवनी है, मेरी वाइफ का नाम भी संजीवनी है और मेरी बड़ी बेटी का नाम भी संजीवनी है, चारों संजीवनी हो गए। तो इस तरीके से इसका जो है उद्गम हुआ संजीवनी नाम का। अदरवाइज आप देखोगे संजीवनी की स्पेल जो है स्पेलिंग जो करते हैं लोग एस ए एन जे डबल ई वी एन आई मैक्सिमम जगह पर ये यूज होती है स्पेलिंग। मेरे इस स्पेलिंग का यूज करने का पर्पस आपके सामने मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बोल दिया है, बता दिया आपको। तो इस तरीके से इस नाम को का उद्गम हुआ। और पिछली बार जब हमने अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया था उसके बाद मैंने 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे, अपने विचार रखे थे। एक अग्नि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 वाज लक्ष्मी का स्थान कहाँ पर है, कहाँ उसको रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पगड़ी, पगड़ी हम लोग क्यों पहनते हैं या हमारे बुजुर्ग लोग क्यों पहनते थे, उसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं। आज मैं आपसे अलग से तीन पॉइंट पे अपने विचार रखूँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप आगे लोगों को पास ऑन करना और लॉजिक फुल ना लगे तो फिर आप उसको आपकी मर्जी भूल जाना। आज के हैं मेरे विचार पॉइंट नंबर 1 के पथरी से कैसे बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 के हार्ट और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 वजन कम कैसे किया जा सकता है। इन 3 पॉइंट पे आज हम मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट। पॉइंट नंबर 1 के पथरी से कैसे बचा सकता है, बिल्कुल वेरी सिंपल, उसका जो फार्मूला जो है बिल्कुल सिंपल है कि जैसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 3 टाइम हम खाते हैं तो हर मील के बाद आपको यूरिन पास करना है चाहे वो 2 बूंद आए और
सुबह नहाने से पहले आपको यूरिन पास करना है, चाहे वो दो बूंद आए, आ जाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जब भी आप अस्पताल जाते हो, मान लो किसी टेस्ट के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई यूरिन का टेस्ट करना है, यूरिन ले आओ बाथरूम जाके, कोई भी रहे, वो कभी आपने किया, उससे पाँच मिनट पहले आपने किया हो तब भी आप यूरिन उसको दे देते हो ला करके। मतलब कहने का मेरा यह है कि यूरिन हमेशा ब्लैडर में रहता है, टोटली खत्म नहीं होता कभी। और इसका एक मत और भी हमारे हिंदुओं में है कि जो नहाने से पहले मैंने बताया आपको कि यूरिन पास जरूर करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, कहीं ना कहीं ये लिखा है सब जगह कि नहाने के बाद जब हमारा बदन गीला होता है और उस टाइम पे अगर हम पेशाब कर देते हैं, मतलब यूरिन पास कर देते हैं, तो जो जल हमारे शरीर से गिरता है उसको जो हमारे पितृ लोग हैं, पूर्वज जो चले गए हैं दुनिया से, वो लोग उसको पीते हैं जल को, और उससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं, उनकी प्यास उसी जल से बुझती है। तो अगर आप उस टाइम पे यूरिन पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पूर्वजों को अपना यूरिन पीने के लिए दे रहे हो, उनकी प्यास बुझाने के लिए। तो इस नज़रिए से देखो तो भी ये वर्जित हो गया। तो इसको बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका एक ही है कि आप जब लाने शुरू करें उससे पहले यूरिन पास कर दें, लास्ट में यूरिन पास करने के बाद तुरंत उसके बाद आप नहा लें, तो आपको यूरिन पास जब आपने शरीर को पहुँच लोगे उसके बाद अगर पास हो जाता है उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका जो बॉडी में पानी था वो आपने टॉवल से सोख कर लिया, उसके बाद अगर आपको फिर भी आ जाता है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, वो आपके पूर्वज तक नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर वन इज पथरी के लिए उदाहरण है कि जिसको पथरी नहीं है तो उसके वो पथरी होगी भी नहीं जब तक वो जीवित रहेगा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ये मैं अपने ऊपर पिछले 35 साल से इसका पालन कर रहा हूँ। मेरा छोटे जो भाई हैं राजीव गुप्ता, उनको पथरी की शिकायत रहती थी, उनको पथरी रेगुलर बनती है, पथरी एक बार जिसको बनती है उसके चाहे वो ऑपरेशन करा ले या कुछ भी करा ले उसको दोबारा बन जाती है, वो उसकी वो है नेचर है उसका कि पथरी बनने का। अगर एक बार बन गई तो वो फिर बनेगी, जितनी बार बन गई और उसका ऑपरेशन करा लो वो फिर बनेगी। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप ऐसा करते हो तो जो बन गई है वो वहीं रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर आप उसको ऑपरेट करके एक बार निकलवा देते हो, वैसे मेरा तो मानना ये है कि भगवान ने जैसा शरीर दिया है भगवान को वैसा ही शरीर सौंपना चाहिए। उसका तरीका क्या है कि अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप शरीर जैसा उसने दिया था वैसे ही उसको सौंप दोगे आखिर में। मैंने अपने बारे में तो यही सोचा हुआ है कि टाइम में वो कुछ भी हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा किसी भी कीमत पे, चाहे मर जाऊं मैं तब भी नहीं कराऊंगा, मेरे को उसको वही सौंपना है जो उसने मेरे को दे के भेजा है। ये तो मेरा मत है। बाकी बहुत लोगों को मैंने इसके बारे में बताया, उन्होंने इसको अप्लाई किया, जैसे कि मैंने आपको अपने राजीव गुप्ता छोटे भाई का बता रहा हूँ, तो उसको मैंने पहले उसको किसी ने बताया कि बियर पियो उससे प्रेशर बनता है तो पथरी उससे निकल जाएगी मूत्र उसके यूरिन के रास्ते, किसी ने कहा कि शरबत बिजूरी और कुल्थे की दाल उसको रात को भिगो के रख दो सुबह उसका पानी पी लो उससे पथरी निकल जाएगी, और एक हिमालयन ड्रग्स की दवाई आती है सी स्टोन वो खा लो उससे पथरी निकल जाएगी। सारा कुछ करने के बाद भी रिजल्ट जीरो का जीरो ही रहा। अल्टीमेटली वो पथरी वो अपने ट्रेवलिंग पे था टूर पे बिजनेस टूर पे, तो बेंगलोर में पेशाब उसको यूरिन पास करते हुए वो पथरी उसकी बाहर आ गई, वो पथरी उसने उठा ली उसको धो करके वो ले आया,
उस पत्थरी का साइज था राजमा जैसे होता ना राजमा राजमा के साइज की पत्थरी थी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि तू जो है ऐसा कर ले, उसने मेरा कहना नहीं माना। अभी लास्ट ईयर उसने फिर ऑपरेशन करवाया, अब ऑपरेशन करवाया है, पहले तो यूरिनरी स्टोन गई थी, अब जो है दूसरी है गोल ब्लैडर में हो गई। तो उसको लेप्टोस्कोपिक फार्मूले से उसका ऑपरेशन कराया गया, उसने मेरी बात नहीं मानी, ये उसका अंजाम हो गया। अब वो कहता है कि भैया आपने ठीक कहा था, अब मैं आपकी बात को जो है वो करता हूँ, कर लेता हूँ, मानता हूँ, अब देखते हैं होती है नहीं होती। तो हाथ का नाम को फारसी क्या और पढ़े लिखे वो फारसी क्या करके देख लो, रिजल्ट में अगर ना आए वो जो बोल रहा हूँ मैं तो फिर पता लग ही जाएगा कि मैंने जो बोला है वो ठीक नहीं है, ऐसे मतलब क्या उसको कहने की कमी है। तो इस तरीके से ये मेरे आप सबके लिए मशवरा है कि जिसको नहीं है उसको होगी नहीं, और जिसको है आगे बढ़ेगी नहीं। आपकी मर्जी है, ऑपरेट करके निकलवाना चाहो तो निकलवा लो उसको, और नहीं निकलवाना चाहो तो नहीं निकलो, वो आपकी मर्जी के ऊपर। पॉइंट नंबर वन इज कंप्लीट नाउ, ये पूर्ण। दो नंबर पे मैंने बोला आपको पॉइंट नंबर टू, हार्ट डिजीज और कैंसर, इसका इलाज सबसे आसान है, मतलब इलाज कहा होता ना प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिकॉशन बता रहा हूँ अपना विचार कि अगर आप डॉक्टर त्रेहान नरेश त्रेहान जो कि पहले इसमें बैठते थे अपने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में, अभी उन्होंने अपना गुड़गांव में हॉस्पिटल अलग से बनाया है, उसका नाम मेरे को भी स्लिप कर रहा है, कोई बात नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं आया था, उसमें उन्होंने जो लिखा था मैं आपको वो बता रहा हूँ कि खाना खाते हुए या खाना खाने के बाद गर्म पानी गुनगुना पानी ल्यूक वार्म वाटर गुनगुना हल्का गर्म पानी उसका सेवन करें आप, तो उससे क्या फायदा होता है। टेक्निकल उन्होंने टेक्निकली इसमें लिखा कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लीवर उसको पचाता है, तो अगर हम उसके भोजन के साथ जैसे कि आजकल के बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं उसके साथ कोक यूज करते हैं लेते हैं, या ठंडी चीज को लेते कोल्ड कॉफी ले लेंगे या कोई भी ठंडी चीज लेते हैं हमें, और मोर मतलब बहुत 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 ज़्यादा नुकसानदेह है ठंडी चीज। रीजन भी क्यों, क्योंकि जो खाना उन्होंने खाया हमने उसको हजम करेगा लीवर हमारा, तो लीवर जब तक उसको हजम करेगा हमने पी लिया ठंडा तो वो गया आकर उसको टाइम लगेगा ज़्यादा लीवर को हजम करने में। तो उससे पहले जो हमारी जो आते हैं जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं वो उसका जो फैट है उसको उससे पहले सोख लेती है लीवर तक जाने से पहले ही, और अगर आपने गर्म पानी पिया बीच में या बाद में तो वो उसकी मदद करता है खाने को कि जल्दी से जल्दी वो पतला होकर के लीवर के पास जाए, जो है वो जहाँ जहाँ उसको जाना है वहाँ वहाँ अपने बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये उन्होंने लिखा कि ये अगर ऐसा करने से एक तो हार्ट की डिजीज नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हार्ट की डिजीज नहीं होगी, और ये कैंसर में भी सहायक है। कैंसर का जो कॉज तो अनगिनित है उसके, लेकिन इसको करने से काफ़ी सारे तरीके का कैंसर नहीं होगा, ये डॉक्टर नरेश त्रेहान के व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, उसके आधार पे ही मैं बोल रहा हूँ ये बात। ये मेरी कोई मैं अनपढ़ आदमी हूँ टोटल, नर्सरी तक मैंने शिक्षा ग्रहण की स्कूल में, उसके बाद मेरे को पता लग गया, मैंने मान के समझ लिया था कि इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। और एक बार मेरे ब्रदर है कजन ब्रदर गांव की तरफ के हैं वो, तो वो बोल रहे थे कि गांव में कहावत है कि बेटा उनका पढ़ रहा था, अगर पापा मुझे पढ़ना है, तो उसने कहा बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा छोरा, पढ़ लिख के तो नौकर बने करें, काम अपना कर तो मालिक बनेगा,
जितना मर्जी छोटा घर ले रहेगा तू मालिक, पढ़े जितना मर्जी ले बनेगा तू नौकरी, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जा तो भी तू नौकर रहेगा पब्लिक का, IAS बन जा कुछ भी बन जा पढ़ लिख करके रहेगा नौकरी, मालिक नहीं बन सकता, मालिक अपने काम से ही बनेगा चाहे जितना मर्जी छोटा हो। तो ये बात अपील की लॉजिक के बात के अंदर। तो खैर मैंने जो अपनी नर्सरी क्लास में जो मेरी टीचर थी, मेरे को उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता था, मेरे को बड़ी पसंद थी, और चाहे मेरी चेहरा भी ऐसा था बचपन में काला कलूटा सा, और क्लास में सबसे पीछे बैठता था। तो मैं ये सोचता था कि मैंने गोल अपना निर्धारित किया कि क्या मैं ऐसा क्या काम करूँ कि जिससे कि मैडम मेरे को अपनी गोदी में उठा ले और मेरे गाल पे हाथ फेर ले। तो उसके लिए मैंने 20 की टेबल, 20 का पहाड़ा, 20 तक के कठवा पहाड़े मैंने याद किए नर्सरी क्लास में, जो कि मैं नहीं समझता कि आज भी दुनिया में किसी भी स्कूल में दुनिया में नर्सरी का बच्चा 20 तक के कठवा पहाड़े सुना सकता हो। तो मैडम जब पूछे मैथ्स में तो मैं अपना हाथ खड़ा कर लूँ, तो 1 by 1 रो मैं सबसे आगे आ गया। उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को अपनी गोद में बैठाया, हाथ भी फेरा और उन्होंने मुझे चूम भी लिया मेरा माथा। तो मैंने कहा मेरा गोल पूरा हो गया, जो मैंने गोल निर्धारित किया कि ये कर रहे हो मेरे को तो मेरी तृप्ति रहेगी, आई एम सेटिस्फाइड, तो मोर देन सेटिस्फाइड हो गया। तो अब मैंने समझ लिया कि पढ़ाई जो है किसी काम, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय मैं अपना दिमाग और अपना ध्यान दूसरे कामों में लगाऊं जिससे कि मैं लोगों की कुछ सहायता कर सकूं, कुछ और काम कर सकूं जो कि लोगों का भला हो इससे। तो मैं स्कूल नहीं गया अपनी मर्जी से, एक दिन भी नहीं गया, लेकिन हमारी जो माता जी थी, हमारे फादर तो मैंने आपको बता दिया कि 1951 में MBA उन्होंने किया था और गोल्ड मेडलिस्ट विद प्रेजिडेंट थे, बाटा का प्रोजेक्ट किया था उन्होंने, लिप्टन से उन्होंने अंग्रेजों के साथ सर्विस की थी। तो अब वो भी चाहते थे कि मैं जो है CA बनूं, और मैं चाहता मैं पढ़ने ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मदर जो थी माता जी वाली, वो कह रही है बेटा तेरा पढ़ा के तो मैं रहूँगी, तो कुछ ही कर ले। तो मैंने कोई बात नहीं पढ़ा लो, पढ़ लूँगा अगर तुम पढ़ा पाओ तो। तो उन्होंने सारी तरकीबें अजमा ली, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा भी नहीं छोड़ा। तो अब मैं क्या करता था, मैं पूरा दिन खेलने में रहता था, मेरा मन लगता था। तो स्कूल के लिए जैसे मैं गया, महेंद्र जी जो है ये मेरी क्लास में थे, ये इनके ब्रदर छोटा और एक मेरा कजिन ब्रदर, तीन और एक मैं, चारों एक ही क्लास में थे, साथी क्लास में। तो इनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो घर से पे ये मेरे को सुबह बुलाने आते थे, मैं सो के उठता था, मुँह पे पानी लगाया, बस्ता उठाया, भाई चलो जी। और पापा जो थे हमारे फादर लिप्टन में थे, तो पेंसिल्स रबर वगैरह जो है ऑफिस से उनको मिलती थी वो ले आते थे, या रबर कार्बन वाली जो मिटाने वाली होती है, टाइपराइटर की टाइपिंग मिटाने वाली, तो वो मैं अपनी एक उसमें लिखता था स्टडी में अपने ले करके मुझे। और हमारी साउथ टेक्स में दुकान थी, तो वहाँ से ट्रॉफी वगैरह ले आता था मैं जब जाता था, वो रख लेता था, जब स्कूल में जाता भी था तो वो भर के ले जाता था अपने साथ में, लोगों को गिफ्ट कर देता था। तो जिससे कि लड़के जो लोग थे बच्चे मेरे साथ थे, वो मेरे को नाराज ना रहे मुझसे, अपना बना लूंगा उनको, तो मैं करता रहा। अच्छा स्कूल जो है मैंने, उन्होंने कहा कि चल भाई स्कूल, मैंने बस्ता उठाया और उनके घर पर जाके मैंने बस्ता रखा, और मैंने कहा भाई तुम जाओ स्कूल, मैं यहीं हूँ, जब वापस आओगे तो मैं यहीं मिलूँगा। और वो स्कूल चले गए तीनों लोग, तीनों दोस्त मेरे, और मैं जो है दूसरे गेट से उनके घर के, दो गेट है, दूसरे गेट से निकल करके खेलने के लिए चला गया। 12:30-1 बजे तक जब वो स्कूल से लौट के आए तो मैं मिला, मैंने उनसे पूछा कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, तो उन्होंने बता दिया नटछट में। तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने बस्ता उठाया, मैं अपने घर आ गया, मम्मी जी को बताया कि मैं स्कूल से आ गया, तो मैं शाबाश बेटा। तो उन्होंने कहा बेटा खाना खा ले, खाना खा लिया। मेरी मम्मी मैं खेलने जाऊँ, तो हाँ बेटा जरूर जा। तो मैं खेलने चला जाता था दोबारा से,
उसके बाद मैं अपने आप अपने घर पे वापस कभी नहीं आया। हमेशा मेरे को रात को 10 बजे 11 बजे वो ढूंढ के लाते थे। तो मैं खेल नहीं रहा होता था, सब जो यार दोस्त खेलते थे वो सब अपने घर चले जाते थे और मैं बैठ कर के अपने गेम प्लान के बारे में नेक्स्ट कि मैं कैसे जीतूंगा इनसे, कल आज की जो कमियां हैं वो कम कैसे दूर करूँ, तो उसके बारे में प्लानिंग करता रहता था। तो जब कोई मेरे को ढूंढने आता था और छुप जाता था, ढूंढ डाल के फिर वो मेरे को ले जाते थे। तो दादा मेरे को खाने की फिक्र था उसकी, 12 महीने नंगे पैर निक्कर पहन के या पैंट पहन के घूमता था, तो मेरा शरीर बिल्कुल तबाह हुआ शरीर का हर मौसम में भी। मेरे को अगर आप रखोगे 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरे को आप ले जाओगे बर्फ के अंदर नंगे पैर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ से नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती मेरे को, फील नहीं होती, क्योंकि मेरा शरीर बचपन से तपा हुआ है। इस वजह से 4 दिन मैं लगातार सो सकता हूँ, बेड से हिलूंगा भी नहीं। सिगरेट मैंने बताया कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं यूरिन पास भी नहीं करूँगा, मैं स्टूल पास भी नहीं करूँगा, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना, और 4 दिन मैं उठूंगा भी नहीं। इसके अपोजिट में मैं 7 दिन लगातार बिना फर्क जग पाए जाग भी सकता हूँ। जुनून, किसी कई मेरे काम सौंप दे तो मेरे को जुनून सवार हो जाता है, जब तक वो पूरा नहीं करूँगा मैं सोना खाना पीना सब भूल गया। ऐसे मेरे को एक भयंकर जो जुनून है वो है ड्राइविंग का, तो उसको गाड़ी को मैं एक बार स्टेरिंग पे बैठ गया तो उसके बाद मैं इसको 20 घंटे भी लगातार चला, 24 घंटे भी लगातार चला सकता हूँ गाड़ी बगैर पेशाब करने के लिए भी गाड़ी नहीं रोकूंगा अपनी। जो मेरे यार दोस्त मेरे साथ चलते थे जब हम जाते थे घूमने के लिए, बहुत घूमा हुआ हिंदुस्तान पूरा, मैंने बाई रोड घूमा है काफ़ी पार्ट हिंदुस्तान का, तो मैं उनको बता देता था उसी टाइम कि भैया बियर की बोतलें ले लो, बियर पी लेना, खाली बोतल पास में रखना, फेंकना नहीं, किसी को भी यूरिन पास करना हो तो बोतल पे पास करे, गाड़ी रुकेगी नहीं यूरिन के लिए, गाड़ी रुकेगी जब ही रुकेगी, जब उसको रुकना होगा लंच के लिए या डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, 3 बार रुकेगी बस, अगर गाड़ी नहीं रुकेगी किसी के लिए। तो खैर बात लंबी हो गई है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। मैंने अपना पॉइंट आपको बता दिया, पॉइंट था मेरा कैंसर से बचने का तरीका और हार्ट डिजीज से बचने का तरीका, जो कि नरेश त्रियाल साहब के व्हाट्सएप के ब्यास पे मैंने आपको उसकी टेक्निकलिटी भी जो है वो भी बताने की कोशिश की है। हो सकता है मैं पूरी तरह नहीं समझा पाया हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ, तो जैसा भी समझ में आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसको अप्लाई करके देख लो, बाकी रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। फिर वही बात है, हाथ का नंगल गवार सी गया और पढ़े लिखे को फारसी गया, जो पढ़ा लिखा है उसको फारसी दे दो पढ़ने के लिए, 1 मिनट में पढ़ लेगा वो, हाथ में गंगा गए तो आरसी क्या वो दिखाई दे रहा है ये पहना हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 इज नाउ कम्प्लीटेड, 2 नंबर जो मेरा वो था वो भी पूरा हो गया। अब 3 नंबर, बहुत बहुत ज्यादा लोग अपने मोटापे से परेशान हैं और वो खाना भी कम नहीं करना चाहते, वो सैर भी नहीं करना चाहते, वो अपनी दिनचर्या में कोई चेंज करना भी नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक ट्रिप है, वेरी सिंपल, कि जिस टाइम सर्दियां पड़ती हैं 2 महीने 1.5 महीने 1 महीने 3 महीने, सिर्फ एक बात कर, एक काम करना उनको मेरे लिए, अपने लिए, मेरे लिए कह लो आप, कि दिन में 3 बार, दिन में 3 दफा पसीना आना चाहिए। 3 बार का मतलब ये नहीं है कि एक बार पसीना आ गया पसीना सूखने नहीं दिया उसको 2 गिल्लियां भर 3 गिल्ली, ऐसे नहीं, एक बार पसीना आया वो सूख गया कंप्लीटली, ठंड महसूस हो रही है सर्दियों मौसम है, फिर दोबारा आना चाहिए वो पसीना, कैसे ही आया वो कुछ भी करो उसके लिए, आप देखो क्या करोगे, फिर सूखना चाहिए, फिर तीसरी बार, 3 बार सूखना चाहिए। आप वजन कर लेना उन सर्दियों के बाद और उससे पहले, जिसका वजन अगर मान लो 100 किलो है तो उसका वजन वो उसको 80 किलो मिलेगा, 20 किलो वजन उसका 1.5 महीने में कम हो जाएगा,
सिर्फ इतना करने थे। और साथ में एक और चीज है कि अगर वो हर थोड़ी देर बाद, जो मैंने आपको पहले वाली उसमें बताया था पिछले महीने में भी, कि गुनगुना पानी की फ्लास्क अगर वो मोवेबल मूविंग में रहता है, चलने फिरने में रहता है, तो अपने साथ रख ले, हर थोड़ी देर बाद दो सिप उसके ले ले, तो इतना ही काफी है। कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे चर्बी कटती है गर्म पानी से। और वो सुबह अपने स्टूल पास जब करते हैं तो उसके रास्ते वो निकल जाती है। इसके लिए एक एक्सरसाइज भी है, सिंपल एक्सरसाइज, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो भी आप कर सकते हो, उसका भी पर्पज वही है। अब मैं आपके सामने करके आपको दिखाता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। अब इन हथेली को यहाँ रख लो अपनी इसके नाभि के बगल में, दोनों साइड में, और इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे करते हो 5 मिनट 10 मिनट, मतलब तेज नहीं करना है, इसको चोट नहीं मारनी है अपने शरीर को, ये करते रहना। इसका पर्पज क्या है, साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ आपको। इससे क्या हो रहा है, अगर आप रोज कर रहे हो, इससे जो चर्बी सबसे पहले सबसे ज्यादा यहीं में जमती है, यहीं पर होती है, तो वो जो है मेल्टोनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके, और वो आपकी उसके रास्ते फ्रेश अप हो जाएगी। एक फार्मूला मैंने आपको दे दिया, एक मैंने आपको बताया गर्म पानी का सेवन, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, मेरे साथ हमेशा रहती है। जहाँ अगर मैं होटल में कहीं जा रहा हूँ जहाँ पर वो मिल सकता है मांगने से, वहाँ तो मैं इसको लेके नहीं जाता, लेकिन जहाँ मेरे को पता है कि मेरे को मांगने से या नहीं मिलेगा सफर में, तो इसको मैं साथ रखता हूँ, और इसको अपने हर बार थोड़ी देर बाद दो सिप ले लेता हूँ हर थोड़ी देर बाद। इससे गला भी नहीं सूखता, पानी भी चला गया। डॉक्टर कहते हैं कि 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, तो मैं 10 से 12 हो जाता है, इसमें खत्म हो गया आधा लीटर ही है कुल। जाने जाऊँगा किसी के भी पास तो वहाँ बोलूँगा उसके, भैया मेरे को गुनगुना पानी चाहिए इसमें, दे दिया किसी रिश्तेदार के गया किसी दोस्त के गया, हाँ तो मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिला तो मैं चाय वाले के पास चला गया कि भैया बर्तन साफ करके आधा लीटर पानी जो है 200 ग्राम पानी उबाल के दे दे, 200 ग्राम उसने उबाल दिया, 300 मैंने इसमें नॉर्मल वाटर डाल दिया, मेरा काम पूरा हो गया, बोतल मेरी हमेशा भरी गई, और इसको मैं अपने लेता हूँ तो अब 10 से 12 लीटर भी लेता हूँ मैं। डॉक्टर से भी कहना ठीक हो गया, और पीता नॉर्मल के लिए कहते हैं, मैं गर्म पीता हूँ, डबल फायदा हो गया ना। मेरा आप बेटी देखो, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी दिसंबर 1990 में तय हुई थी, उस टाइम मेरा वेट था 84 kg। मेरी शादी हुई 1 फरवरी 1991 को, तो आप देखो दिन कितने हैं इसके बीच में, दिसंबर एंड और 1 फरवरी, जनवरी एक बीच में आई, फरवरी का एक हफ्ता मान लो लास्ट में हुआ था, तो 30 और 5 35 दिन। 1 फरवरी को मेरा वेट क्या था, कैन यू बिलीव, मेरा वेट था 72 kg, 12 किलो वजन मैंने इन 37 दिन में कम कर लिया अपना। कैसे कम किया, डाइटिंग करके। 9 दिन व्रत होते हैं, नवरात्रे आते हैं, 9 के 2 दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ एक गिलास दूध सुबह एक शाम को। तो उसके बाद डाइटिंग मैंने जब बंद की तो मेरा वेट जो है फिर गेन हो गया, अब वेट मेरा पहुंच गया, पहले था 84, अगली बार नेक्स्ट टाइम हो 88 मिला मेरे को, फिर मैंने उसको कम किया तो मैं उसको 75 तक ला पाया। उसके बाद फिर तीसरी बार हो गया, फिर वो गेन होने पे आ गया, अब वो पहुंच गया 94 नाउ। अब मेरा जो वजन है वो 70 और 72 किलो के बीच में है, आप देख लो 94 से मैं इसको 70-72 पे ले आया। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो बस इतना ही मेरे को कहना है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि अगर आपको लॉजिक पसंद आए, समझ में आए, तो इसको ट्राई करके देखना, अपनाना, अदरवाइज नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं अपनाना इसको, नहीं बिल्कुल नहीं। सही लगे कुछ करके देखो, उसमें फर्क नजर आए तो फिर उसको आगे बढ़ाना, वरना नहीं वहीं रोक देना उसको।
और मेरे मैंने आपको अपना एड्रेस दिया हुआ है इसमें, पिछली बार भी बोला था, सब कुछ है इसके अंदर। मेरे को आप पत्र के द्वारा मेरे को गालियाँ दे सकते हो, बता सकते हो कि आपने जो कहा था ठीक नहीं कहा था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बताना चाहिए अगर, तो मैं आपकी जो मेरे को मिलेंगे उससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा, क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं आज, जो कि मैं आगे उसको और सुधार सकूँ, फिर दोबारा ना करूँ, क्योंकि एक गलती एक बार कर हो गई अनजाने में, दूसरी बार अगर मैं करता हूँ वो, तो फिर वो जानबूझ के हो गई। तो एक गलती को मैं एक ही बार करता हूँ, दो बार नहीं करता, बहुत जल्द मिलूंगा और लगातार मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा जब तक।